आज डिमांड डलाइमा, ये 2024 का एनमे है जो कि काफी ज्यादा लाजवाब था। आज हम बात करेंगे जो उसका सीजन 2 है वो कब आ रहा, किस तारीख को आ रहा है, वो कब रिलीज हो रहा। जितने भी एनमे फैन है सबका यही मानना है कि भाई ये हमें कब देखने को मिलेगा, क्या हमें ये हिंदी में देखने को मिलेगा। सीजन 2 जानने से पहले बात करते हैं थोड़ी इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, एनमे है कैसा, किस तरीके, जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको थोड़ा पता चल जाएगा एनमे है कैसा, क्योंकि मैं ऊपर की समरी बताऊंगा तो मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सुन लो छोटी सी समरी। तो हमारी सीरीज का जो मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है ज़ेरन, ये बेसिकली एक जादूगर होता है एंड बहुत ज्यादा बदनाम भी होता है, क्योंकि जहां पे ये रहता था उस जगह पर बहुत ज्यादा जादूगर को बुरा माना जाता था, क्योंकि वो ज्यादा अत्याचार करते थे उनके ऊपर, तो भाई इसको भी सभी लोग बुरा मानते थे इसलिए जादूगरों से सब डरते थे। लेकिन यहाँ ये दिल से साफ होता है, एंड यहाँ पर ये एक एल्फ को खरीद लेता है जो कि जादूगर, महान जादूगर था, वो मर चुका है, अब उसकी जितनी भी चीजें हैं सब नीलामी में बिक रही हैं, तो ये जाकर एक एल्फ को खरीद लेता है। एंड ये इसका फर्स्ट टाइम लव हो जाता है, उसको देखते ही लव करने लग जाता है, अब ये इसको अपने साथ लेकर आ जाता है, अपने रहने के लिए जगह देता है, सब कुछ मतलब उससे अच्छी चीजें करता है, उसको मैजिक सिखाता है वगैरह वगैरह चीजें। भाई मजा आता है यार एनिमे देखने में, किस तरीके से एक टॉप मैजिशियन बन जाता है, तुम जाकर एनिमे में देखो, सभी लोग इसको किस तरीके से पसंद करते हैं। अब ज्यादा मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दे सकता, मैंने तुम्हें ऊपर की समरी बता दी है, तो जब जाकर अब एनिमे देखो जिन्होंने नहीं देखा है। अगर इसके एपिसोडों की बात करें तो इसके सीजन 1 में हमें 12 एपिसोड देखने को मिले थे, तो अब तुम इसको आसानी से खत्म कर सकते हो। और तो क्रंचीरोल वालों ने इसको ऑफिशियल हिंदी डब भी किया है यार, इसकी डबिंग भी तगड़ी है, तो तुम हिंदी में जिसको देखना तो हिंदी में देखो, जिसको सबटाइटल में देखना सबटाइटल में देखो, दोनों में मिल जाएगा, दोनों में मजेगा। इसको IMDb की तरफ से अच्छी खासी रेटिंग मिली है, जैसा तुम देख ही सकते हो। तो गाइस, तो ये एनिमे हमें अप्रैल 2024 में देखने को मिला था, और जैसे इसका सीजन 1 खत्म हुआ था, जितने भी एनिमे फैन है सबका इंतजार शुरू हो गया सीजन 2 को लेकर। ये एनिमे सीरीज एक लाइट नोवेल पर बेस्ड एनिमे है, और आपको सबको पता है कि अगर कोई भी जिसका भी एनिमे का सीजन 2 लाना हो या कोई आगे की इसकी कंटिन्यू स्टोरी बढ़ानी हो तो हमें सोर्स की मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे मांगा हो गई, मानवा हो गई वगैरह वगैरह। अगर हम इस एनिमे की बात करें तो टोटल मिलाकर इसके 18 वॉल्यूम आ चुके हैं अभी तक, और तो और हमें सीजन 1 में इसके सिर्फ 2 वॉल्यूम कवर किए थे। भाई तुम समझ सकते हो ना अभी इनके पास कितना ज्यादा मटेरियल है, इनके 2-3-4 चाहे जितने चाहे उतने सीजन ला सकते हैं। जिसके मेकर है उन्होंने अभी तो इसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है सीजन 2 को लेकर, लेकिन मैं आपको सबको ये बताना चाहूंगा कि भाई इस एनिमे ने टॉप 50 में अपनी जगह बना ली है, तो तुम यार समझ सकते हो इसका जो सीजन 2 है जल्दी देखने को मिलेगा। एंड मैं तुमको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इसका स्टूडियो है इनका रिकॉर्ड भाई बहुत अच्छा है, ये किसी भी एनिमे को जल्दी नहीं छोड़ते हैं यार, उसके 1-2 सीजन तो बढ़ा ही देते हैं। नाउ बैक टू टॉपिक, अब बात करते हैं मुद्दे की बात, भाई इसका सीजन 2 हमें कब तक देखने को मिलेगा। अगर हम सोर्स एंड इनसाइडर की माने तो हमें न्यूज मिली है ये हमें 2025 के मिड तक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, मिड 2025, लेकिन अभी यार इसके ऊपर फिक्स तो नहीं बता सकते, तो हाँ वेट करो यार, अभी वेट करने के अलावा कर ही सकते हैं। अगर इसकी रिलीज डेट कुछ ऊपर नीचे होती है, कुछ डेट बढ़ती है, तो मैं तुम्हें वीडियो बना दूंगा, तुम टेंशन ना लो, और भी न्यू एनिमे है उनको देखो जाकर। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अगर आपको किसी भी एनिमे की रिलीज डेट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना।